अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शामिम। तो देखिए, मेरे पास एक विक्टर कंपनी का वॉल क्लॉक है। इसका प्रॉब्लम है, जब बैटरी कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद बैटरी जब हिलाता हूँ तब सेकंड की कांटा ब्लिंक करता है। ये प्रॉब्लम पहले मुझे यही लगा कि बैटरी कनेक्टर जो है वहाँ पर लूज कनेक्शन है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है ये जो मशीन है ना, ये जो मशीन है, ये मशीन के अंदर से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है और किस तरह सॉल्व करते हैं, सब कुछ देखने के लिए मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, स्क्रिप्ट मत करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, ये जो मशीन है, ये मशीन बॉडी से अलग करता हूँ। तो देखिए, ये जो मशीन है, मशीन को बॉडी से अलग कर लिया। इसके बाद मशीन को ओपन करता हूँ। क्या हो गया है देखिए, ये जो मशीन है, ये मशीन मकड़ी का जाल हो गया है। और देखिए, बहुत धूल है। ये जो व्हील है, ये देखिए देखिए क्या हो गया है। ये व्हील यहाँ पर होता है, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये व्हील बहुत ही धूल पड़ गया है, इसलिए ब्लिम नहीं कर रहा है। मैंने ये जो धूल है, ये धूल को अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। ये जो व्हील है, ऑल व्हील को अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। कुछ सीखना है तो मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्किप मत करिए।
तो देखिए ये जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, इसका प्रॉब्लम था ये जो व्हील है ना, ये व्हील बहुत ही धूल पड़ गया था और मकड़ी का जाल भी बन गया था, इसलिए ये घड़ी नहीं चल रहा था। ओके, तो देखिए और वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है। तो इस तरह प्रॉब्लम आया है तो मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके काम करिए, 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।